हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, ड्राई पेपर चिकन। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में ड्राई पेपर चिकन कैसे बनाएं। सबसे पहले हम प्याज काट लेंगे। मैंने ली है 3 मीडियम साइज की प्याज। आपने इस तरीके से देखिए ऐसे स्लाइस कर लेना है, इस तरीके से। अब मैंने सभी प्याज काट लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। आपने लेना है एक पैन, पैन के अंदर आपने डालना है साबुत लाल मिर्च सूखी हुई, 6 से 7 ले सकते हैं आप। उसके बाद 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। अगर आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ब्लैक पेपर थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 1 इनफ है, बहुत मस्त टेस्ट आएगा। और आपने इसमें डालना है 2 पीस लौंग, 2 से ज्यादा ना डालें, 2 ही डालें, बहुत बढ़िया प्यारी खुशबू आएगी ना और आपको मजा भी बहुत आएगा। और आपने इसमें डालना है 1 सिनेमन स्टिक। ये सारे मसाले डाल के आपने इसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। इतना रोस्ट करें कि आपकी नाक तक एक अच्छी खुशबू आ जाए और मसाले सूख जाएं, जले ना। आपने मसालों को जलाना नहीं है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है मसालों की, इसका मतलब यह है कि ये ड्राई हो चुके हैं। अब मैं गैस बंद कर दूंगा और आपने क्या करना है, ऐसे खुले हुए बर्तन में रखना है मसाले और इनको ठंडा करके ड्राई पीसना है आपने। इस तरीके से आपने पाउडर बना लेना है, देखिए एकदम सूखा हुआ। अब आपने लेना है पैन सेम वही वाला और इसके अंदर आपने डालना है 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। जब आपका तेल गर्म हो जाएगा तब आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है प्याज जो हमने काट के रखी थी और इसको आपने अच्छी तरीके से लाल करना है। लगातार ऐसे चलाते रहें ताकि आपकी प्याज में ना एक जैसा कलर आए चारों तरफ, तो अच्छे से लाल होने का इंतजार करें और चलाना बंद ना करें। अब हमारी प्याज में बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है जैसा कि हमें चाहिए था। अब आपने क्या करना है, गैस बंद करना है और इसको ठंडा कर लेना है। अब हमारी प्याज ठंडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसको डालना है मिक्सी के जार में और आपने इसको पीस लेना। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पीस लिया है, आप भी ऐसे ही पीस लें। चिकन लिया है मैंने 700 ग्राम और इसको कड़ी कट काटा। ये देखिए इसको बोलते हैं कड़ी कट, आप इसी तरीके से काट लें। आपने देखा मैंने आपको कितनी अच्छी तरीके से बताया कि आपने कैसे सारी तैयारी करनी है, मसाला कैसे पीसना है, प्याज कैसे फ्राई करना है, कैसे पीसना है, सब कुछ मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। अब मैं आपको तड़का मार के बताता हूं कि आपने कैसे तड़का मारना है। तड़का मारने के लिए आपने लेना है एक पैन, पैन के अंदर आपने डालना है 1/2 कप ऑयल, आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं 1/2 कप डालूंगा। जब आपका तेल गर्म हो जाएगा तब आपने क्या करना है, इसमें डालना है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको ऐसे भून लेना है आपने। थोड़ा सा भूनने के बाद आपने इसमें डाल देना है कड़ी पत्ते और इनको भी अच्छे से ऐसे चटका लेना है। कड़ी पत्ते अभी थोड़े से ज़रूर डालें, थोड़े हम बाद में भी डालेंगे, आपको बताऊंगा कब, लेकिन इस टाइम पे भी आपने थोड़े डालने ज़रूर हैं। जब आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐसे पक जाएगा तब आपने क्या करना है, आपने इसमें डाल देना है चिकन। चिकन डालने के बाद आपने तुरंत डालना है इसमें 1 टीस्पून नमक। ये देखिए नमक डालने के बाद आपने इसको चलाना है, नमक तुरंत डाल दें आप और इसको थोड़ी देर ऐसे ही अच्छे से पकाना है, बिना कुछ डाले, पानी या कोई भी चीज ना डालें, ऐसे ही इसको अच्छे से पकाएं। अब हमारा चिकन थोड़ा सा पक चुका है जिंजर गार्लिक पेस्ट और कड़ी पत्तों के साथ, इन दोनों से क्या होगा, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी, बहुत ही मज़ेदार। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपने नमक ज़रूर डालना है, नमक डालना ना भूलें। और ये देखिए ऐसे अच्छे से पका लें, जब आपका चिकन ऐसे पक जाएगा तब आपने क्या करना है, गैस करना है एकदम स्लो और आपने इसमें डाल देना है ऑनियन पेस्ट, जो हमने फ्राई ऑनियन करके पेस्ट बनाया था ना वो आप डाल दें,
पेस्ट डालने के बाद आपने ऐसे इसको मिक्स करना है और थोड़ी देर पेस्ट के साथ चिकन को पकाना है, 1 से 2 मिनट पकाएं। पानी आपने अभी भी नहीं डालना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ऐसे ही बस पका लें अच्छी तरीके से, ताकि क्या होता है ना, कभी कभी प्याज में हल्का सा मीठापन रहता ही है, तो वो अब जब आप ऐसे पकाएंगे ना तब खत्म होएगा। तो आप ऐसे अच्छे से पकाएं थोड़ी देर। अब मैंने बहुत ही अच्छे से पका लिया है इसको, मैंने ना 2 मिनट ऐसे ही भूना है फास्ट गैस में, और इसमें खुशबू जो निकली है ना बहुत ही शानदार, मतलब मज़ा आ गया, बहुत ही प्यारी खुशबू आई है निकल के। अब आपने क्या करना है, गैस करना है एकदम स्लो, और आपने इसमें डाल देना है मसाला जो हमने पीस कर रखा था, सब डाल दें, बचाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से देखिए सारा मसाला डाल दें। मसाला डालने के बाद आपने ऐसे इसको अच्छे से मिक्स करना है। वाह, अब जो खुशबू आई ना वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, वो आपको कब पता चलेगी, जब आप इसको बनाएंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू, शानदार। ये देखिए ऐसे आपने मिक्स किया, 1 मिनट आपने ऐसे ही पकाया बिना कोई चीज़ डाले, कुछ भी नहीं डालना है आपने, ऐसे ही पकाना है। ये देखिए शानदार। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना है आपने पानी, 1 कप पानी डालें और इसको चलाएं। वाह, ये देखिए ऐसे आपने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, आपने इसको टेस्ट किया नमक, अगर नमक कम है तो आप डालें, और कम नहीं है तो आपने इसको ढक देना है। ये देखिए, और आराम से 4 से 5 मिनट पकने देना है। 5 मिनट होने वाले हैं और मैं आपको चिकन खोल के दिखाने वाला हूँ। दिखाने से पहले आपको एक बात बता दूं, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आपने कई बार पेपर फ्राई चिकन बनाया होगा, लेकिन ये जो रेसिपी है ना बहुत ही अल्टीमेट है, आप इसको एक बार बना के ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी या फिर आपको मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से पक रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे चलाना है अच्छी तरीके से, बहुत ही प्यार से, और गैस करना है स्लो। स्लो गैस क्यों करना है आपको बताता हूँ, पहले आप गैस स्लो कर, उसके बाद आपने इसमें डालने, देखिए कड़ी के पत्ते ऐसे, और 1 लेमन बेज, ज़्यादा ना डालें, बस इतना सा नचोड़े नींबू, इससे ज़्यादा नहीं, और ढेर सारे धनिया के पत्ते। ये देखिए ये सारी चीज़ें डाल दी। अब आपने गैस फास्ट करना है, गैस फास्ट करने के बाद आपने ऐसे इसको मिक्स करना है और लगातार मिक्स करते रहना है जब तक ये मसाला चिकन में चिपक ना जाए। गैस फास्ट करके, जब आप गैस फास्ट करेंगे ना तभी मसाला चिकन में चिपकेगा ना, क्योंकि जो भी पानी होगा ना वो एकदम जल जाएगा। तो आपने अच्छे से ऐसे चलाते रहना है और कुछ ना करें। जब आप ऐसे लगातार चलाते रहेंगे ना तो ये देखिए ये ऐसे सूखने लगेगा, ड्राई होने लगेगा, तब आपने क्या करना है, गैस थोड़ी सी स्लो कर देना है, उसके बाद फिर मिक्स करना है। ये देख रहे हैं ना आप कितनी अच्छी तरीके से मसाला चिकन में चिपक गया है, ऐसे चिपकना ज़रूरी है तभी आएगा आपको मज़ा। अगर मसाला चिकन से अलग होगा ना तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो आपने ऐसे ही चलाते रहना है जब तक मसाला चिकन में चिपक ना जाए। देखिए कितनी अच्छी तरीके से चिपक गया। अब मैं क्या करूँगा, गैस बंद कर दूंगा। ये देखिए खूबसूरती की कोई कमी नहीं है, और खुशबू के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं मतलब लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि इतनी अच्छी खुशबू है, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा तभी आप इसकी खुशबू महसूस कर पाएंगे। अभी तो सिर्फ आपके मुंह में ना पानी आ सकता है। ये देखिए मतलब बन ही गया शानदार, जैसा मैं चाह रहा था ना बनाना वैसा ही बन गया। अब आपने करना क्या है, थोड़े से धनिया के पत्ते, ये कड़ी पत्ते बस, और कुछ ना डालें। शानदार रेसिपी बनके तैयार है आपके सामने, पसंद आ गई है तो आपने क्या करना है आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है।